नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं MPPSC प्री यूनिट 3 को कहाँ से और किन बुक्स से पढ़ा जाए। आप सभी प्री एग्ज़ाम में लगे होंगे क्योंकि MPPSC मेंस और प्री का जो खेल चल रहा है, दो चाहे वो MPPSC 2020 का हो, 21 का हो, 22 का, उसमें प्री हमारे सामने पहले खड़ा हुआ है। सो आप सभी प्री की तैयारी में लगे हैं, तो आइए हम एक बार फिर से जो है इसके बारे में आपको बताते हैं। यूनिट वाइज हम जो है बुक्स के बारे में बता रहे हैं, हमने इसके पहले यूनिट 1 और 2 के बारे में बताया है, तो यूनिट 3 की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसमें है क्या। तो एक्चुअल में जो यूनिट 3 है उसमें दे रखा है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश के जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग के बारे में। तो हम आइए बुक्स के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें किन बुक्स को रेफर करना चाहिए। MPPSC प्री यूनिट 3 के बारे में, जिसमें हमें दे रखा है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल, तो हम इस यूनिट को कवर करने के लिए 3 स्टेप में जो है हमारे एफर्ट्स लगाएंगे। पहला है बेसिक बुक्स, हमें कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, और सेकेंडली हमें देखना है एडिशनल बुक, एंड थर्ड हमें देखना है एफर्ट्स के बारे में, ठीक है, हमें क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने चाहिए इसको पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर हम आपको एक बात बताएंगे। अब हम इसकी स्ट्रेटेजी को जानने से पहले कुछ कॉमन चीज़ें जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी MPPSC में बेसिकली जो है कितनी यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है। अब 10 यूनिट्स को जब हम देखते हैं तो ऐसा फील करते हैं कि एक यूनिट में से 10 नंबर का आता होगा, तो इस प्रकार से 100 नंबर जो है 100 क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट रहते होंगे। लेकिन हमने देखा जो यूनिट 1 है, जो यूनिट 3 है, और जो यूनिट 5 है, जो कि बिलोंग करता है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री है, इसमें मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, और इसमें मध्य प्रदेश की पॉलिटी और इकोनॉमी है। तो यहाँ पर लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी में पिछली बार जो है 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से भी हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश जो होता है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मध्य प्रदेश जब इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल सी बात है, उसकी स्ट्रेटेजी भी जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही होनी चाहिए। इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बेसिक बुक्स, एडिशनल बुक्स, देन इसके एफर्ट्स हमें कैसे और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। अब हम बेसिक बुक्स की बात करें, तो हमें यहाँ पर एक बेसिक बुक्स रहना चाहिए हमारे पास, जिसके थ्रू हम पढ़ सकें। तो मार्केट में कई सारी बुक अवेलेबल है, हमें ज़्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको आपके पास जो भी कंटेंट है एकदम जो है सटीक रखना है और सिलेक्टेड रखना है, ज़्यादा के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। तो आप मुकेश माहेश्वरी पढ़ सकते हो, महेश वर्णवाल की भी आजकल बुक आती है, NCERT को कॉपी करती है ये, उसी के तरीके पे आप इसको देख सकते हैं। देन इसके अलावा आप जो है निर्माण IAS की बुक भी देख सकते हैं, निर्माण IAS की बुक भी बहुत अच्छी होती है और ये बिल्कुल एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ही बनाई जाती है। देन इसके अलावा पुणेकर की बुक भी आप देख सकते हैं, हालांकि पुणेकर की जो जनरली बुक अभी तक देखी वो ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि वन लाइन फैक्ट उसमें दिए रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वन लाइन फैक्ट में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बेस नहीं बन पाता। एक जो स्टोरी बनना चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक की, वो बन नहीं पाती, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट की कैसी जो है टेंडेंसी है। तो आप इन बुक के अलावा भी और कभी बहुत सारी बुक्स है, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई भी एक बुक ले लीजिए, बकायदा उसे पढ़िए, क्योंकि किसी एक ही बुक में सारे फैक्टर नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नई नई बुक मार्केट में पब्लिश हो रही है, तो हो सकता है कि ऐसा हो भी जाए, तो आप देख सकते हैं, पहुंच जाइए इंदौर के भंवर कुआं पर और देख लीजिए, वहां पर बुक्स पे आपको ढेरों सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन एक बुक को फॉलो कीजिए, किसी भी एक बुक को पढ़िए। तो ये होगी बेसिक बुक। जब हम बेसिक बुक्स को कवर करते हैं, तो बेसिक बुक के बाद आती है एडिशनल बुक्स। देखो अभी हमारे पास केवल मुकेश माहेश्वरी की बुक है, तो हम आपको दिखा देते हैं, ये बेसिक बुक्स है मुकेश माहेश्वरी की है मेरे पास केवल, बाकी होती तो मैं ज़रूर बताती, लेकिन हाँ देखा है मैंने उनको भी, तो ये मुकेश माहेश्वरी की बुक होगी। अब एडिशनल बुक में एक बहुत अच्छी बुक है जिसके फैक्ट जो है एग्ज़ाम में काफ़ी मायने रखते हैं, ये है ज्ञान संपदा। ये ज्ञान संपदा है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल की।
तो ये भी हमको देखना चाहिए। तो यहाँ पर ही जो ये मध्य प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी, इसकी बुक्स हमको देखना चाहिए क्योंकि इसके फैक्ट बहुत मायने रखते हैं। एग्ज़ाम में देखा है हमने कि जो पुराना पेपर था 2021 का, तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आती है बात इफर्ट्स के बारे में। इफर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर इफर्ट्स से मतलब है कि हमको बनाने हैं शॉर्ट नोट, ठीक है। हमको क्या बनाना है, शॉर्ट नोट बनाना है और ग्राफिकल फॉर्म में एमपी को याद करना है, क्योंकि ज्योग्राफी है, भूगोल है, निश्चित रूप से ग्राफिकल से ही याद होगा। जैसे कि हम आपको समझाते हैं कि ग्राफिकल से कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पार्क लिखे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश का मैप बना लीजिए, अगर मार्केट से मिल रहा है तो खरीद के ला के उस पर लिख के बना लीजिए, या फिर इस प्रकार से ब्लैंक कॉपी में कर लीजिए, तो आप इस प्रकार से स्मार्ट वर्क करके पढ़ कर सकते हैं। या फिर जैसे कि हम आपको और दिखाते हैं हमारे बनाए हुए नोट्स, कुछ इस प्रकार से आप लिख लीजिए। शॉर्ट नोट का मतलब यही हुआ कि आपको इस प्रकार से शॉर्ट नोट बनाने हैं जिससे कि हमारी जो है स्ट्रेटेजी क्लियर रहे। जैसे बेसिक से हमने चीज़ें लिख ली है, ये नोट्स बना लिए अलग अलग, ये किस प्रकार से भौतिक जो है इसका विभाजन किया गया है, ये इस प्रकार से, जैसे कि हमने ये बनाया है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम एक बार सर की से निगाहें भी लगा के देख लेते हैं तो हमें याद हो जाता है। तो आपको बेसिक से इन चीज़ों के थ्रू जो है इस यूनिट को कवर करना है। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।